अभी हूँ मैं रायपुर के माना गांव में और जाने माने मूर्तिकार अरबिंदो घोष जी से मिलने के लिए आए हैं। इनकी बनाई हुई मूर्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं और न सिर्फ छत्तीसगढ़ से बाहर भी विभिन्न राज्यों में जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में, गणपति बाप्पा मौर्या। नमस्कार नमस्कार सर जी, चिंतामणि नाम है मेरा। ओके। और बहुत तारीफें सुनी है आपकी, कैसा चल रहा है काम? हम काम धाम तो चल रहा था बढ़िया। कितनी मूर्तियां बना रहे हैं अभी? बनाता 40 मूर्ति जिसमें 25 सेल हो गए हैं। आपकी जो मूर्तियां बनती है कहाँ कहाँ तक जाती है? ये अपना मूर्ति उड़ीसा मध्य प्रदेश लोकल छत्तीसगढ़, गणपति के अलावा माता दुर्गा की मूर्तियाँ बनती है। फिर मेरी गवर्नमेंट भी चलता है सब चीज प्रोजेक्ट, जैसे नगर निगम का हुआ, PWD का हुआ, प्रॉल छत्तीसगढ़ में चलते हैं काम हम लोग का। अभी गणेश का तो तैयारी देख रहे हैं आप, जैसे ये मूर्ति जा रहा है आपका गृह मंत्री जी के यहाँ। अच्छा, वो जा रहे सीएम हाउस। अच्छा। छोटी मूर्ति जाते हैं, 4-5 फीट की मूर्ति उनके यहाँ बैठते हैं। अच्छा। कितने की मूर्तियाँ होंगी? 25,000 की है सब मूर्ति। और सबसे महंगी जो मूर्ति होती है? महंगी मूर्ति देखिए, अभी महंगी क्या है होता है, अभी जो रेट है 15,000 से रेट चालू हो जाता है, फिर जो भी रेट में जैसे जो काम कराता है, कोई 2 लाख का बनाता है, कोई 1.5 लाख का बनाता है। अभी तक सबसे महंगी मूर्ति आपने? 5 लाख का मूर्ति बन रहा है माता जी का, अभी 15 फीट हाइट की बनेगा, कैलाशपुरी में बैठने का ही। आपके पास में अभी कितने कारीगर है? अपने पास 15 स्टाफ है अभी, एक ग्राउंड में, इस ग्राउंड में, फिर दूसरे गोडाउन में भी स्टाफ और है, 15-20 वहाँ पे भी है। ये मूर्ति काफी खूबसूरत लग रही है। ये मूर्ति जा रही बिलाई, इनके जो मुकुट है हाँ। ये सब कलकत्ता से बन, कृष्णनगर से बन के आया है, इसके लिए हमारे कारीगर है कलकत्ता में हाँ। जिसमें मुकुट का ये स्पेशलिस्ट रहते हैं लोग। ये जो मूर्तियाँ है ये मिट्टी से बनी हुई है? ये प्योर मिट्टी से बनी हुई है। तो ये अगर पानी में हम लोग डाले तो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा ये? और जो आजकल हम लोग पेंट भी कर रहे हैं ना, ये भी पानी को दूषित नहीं करेगा, तो ये पर्यावरण के लिए काफी अच्छे रहते हैं। हाँ जी 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 जी। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका कोई सांचा होता है या फिर सब हाथ से बनाया जाता है? कहते होता सब हाथ से बनाया जाता है इसको, और ग्राफ से ही सब सोच लेते हैं हम लोग ऐसे इसको बनाने। आपके पास में कोई मूर्ति है जहाँ पे अपन शुरू से देख सके कि किस तरह से किस स्टेप में बनता है, पहले कैसे स्ट्रक्चर उस टाइप कैसे? देखिए जैसे ये अपना उंगली इस टाइप का बनता है, ये उनके पाँव की उंगलियाँ हैं, पाँव की उंगलियाँ है, 3 फिंगर्स उसमें है, एक फिंगर को हम लोग अटैच करेंगे उसके साथ और वो अलग से पैटर्न देंगे उसको। Okay. तो जिस तरह से उंगलियां आप बना रहे हो उसी तरह से सारे जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग बनते हैं, सबके कारीगर अलग होते, सब कारीगर भी अलग होता है। और उसका नाप एग्जैक्ट आप बताते हो? मैं बताता हूँ, इस साइज के बनाने से इतना, जैसे क्ले गीला होने के बाद अपने साइज लेके रखता है, सूखने के बाद वो कम हो जाता है, तो उस हिसाब से उसको थ्योरी में बनाना पड़ता है कैसे करना है। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? 12 साल से काम कर रहा हूँ, स्कूल में पढ़ते थे तब मध्य प्रदेश था ये, उससे पापा भी करते थे, दादाजी भी थे, मतलब आपका पीढ़ी दर पीढ़ी, 3 पीढ़ी काम कर रहे हैं इसमें अपना। ये मूर्ति बना है 25 फीट में, मुंबई में बनाता, हम लोग 15 फीट के बनाए यहाँ पे, ये बैठ रहे सामता कॉलोनी में। तो इसको हम लोग जैसे वेट लॉस करने के लिए 4 शेरों को एफर भी कर दिए, जो हल्की हो गई। अच्छा, इसको सॉलिड अगर क्ले से करेंगे वेट आएगा इसमें। अभी कितना वेट है इस? अभी इसमें मान कर चलिए 4-4.5 क्विंटल वजन आएगा इसमें। गणेश जी तो बड़े फैशनेबल हैं, अलग 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 अवतार में आते हैं, तो आप उस तरह की भी प्रतिमाएं बनाते हैं? मैं देखिए, हमारे तीनों परी का सिद्धांत है ऐसे रहा कि भगवान को भगवान के रूप में रखेंगे, हम लोग कोई अलग से कुछ नहीं बनाते हैं, यहाँ पे चली आ रही है परंपरा, जो चली आ रही है वैसे ही रखो, उसको छेड़खानी मत कर। अरविंदो जी का कॉन्टेक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको भी मूर्ति चाहिए, दुर्गा जी की प्रतिमा चाहिए, पति जी की प्रतिमा चाहिए, तो आप अरविंदो जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए बहुत ही सुंदर प्यारी सी प्रतिमा बनवा सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा बात करके आपसे।